जोशीमठ आपदा का जायजा लेने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कल जोशीमठ आएंगे और यशपाल आर्य ने पौराणिक जोशीमठ शहर के हालातों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार वहां के बाशिंदों ने सरकार को जताने की कोशिश की है लेकिन सरकार नहीं चेती और जिसका परिणाम आज सबके सामने है। तो यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि सरकारी मान रही है कि जोशीमठ में नुकसान हुआ है लेकिन जो आंकड़े सरकार जारी कर रही है नुकसान उससे कहीं ज़्यादा अधिक हुआ है। हकीकत तो यह है कि विकास के नाम पर जोशीमठ शहर का विनाश होने के कगार पर है और सैकड़ों परिवार वहां बेघर होने जा रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि सरकार पहले से ही भूगर्भ शास्त्री और वैज्ञानिकों की टीम लेकर जोशीमठ के हालातों का जायजा ले लेती। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सरकार मान रही है कि भारी नुकसान हुआ है लेकिन जो उनके आंकड़े हैं उससे ज़्यादा नुकसान वहाँ दिखाई दे रहा है। तो कल मैं भी और हमारे साथी भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी जोशीमठ का आपदा प्रभावित परिवारों से संपर्क करने जा रहे हैं। वहाँ के हालात क्या हैं, जो देखने को मिला है बदतर हालात हैं, उसकी जानकारी लेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे